सुबह सब चल रहे हैं मंदिर की ओर यार, हमारे पास ना बहुत कम टाइम है, अब निकलना भी है। ऊपर पहाड़ों पे देखो यार, ये है इस टाइम पे अलकनंदा नदी का फ्लो। तो ये रहा अपने श्री बद्री विशाल का मंदिर, श्री बद्रीनाथ धाम। हाँ जी, गुड मॉर्निंग भाई लोग। सो सुबह हो चुकी है यार, सुबह के बज रहे हैं 9, सुबह से बारिश चल रही है बद्रीनाथ में। सो बड़ी मुश्किल से हम लोग हिम्मत करके निकले हैं बाहर, मंदिर तो जाना है दर्शन करने के लिए। सो एक बार आपको दिखा देता हूँ, ये वाला अपना होटल है जिसमें हम लोग रुके हैं, इसका नाम क्या है? नाम नहीं पता, ये नाम है गुमनाम है, तो है जय जलाराम धर्मशाला बद्रीनाथ। सो ये नाम है यार यहाँ पे बद्रीनाथ में, यहाँ पे रुके हम। बारिश अभी भी हो रही है, जैकेट्स वगैरह हमने पैक कर दी थी इसलिए पहनी नहीं, ठंड अभी नीचे आके ज्यादा नहीं लग रही। नहीं भाई, ऐसा लग रही पैक नहीं करी, दिल्ली वाले लौंडे हैं ना, स्टेशन में रहना है। नई नई टी शर्ट है ना इसलिए। सुबह सब चल रहे हैं मंदिर की ओर यार, हमारे पास ना बहुत कम टाइम है, अब निकलना भी है। ऊपर पहाड़ों पे देखो यार, पूरा बादल ही बादल है। चलो चल रहे मंदिर की तरफ, वहां पे करता हूँ कैमरा ऑन। दोस्तों यह है बद्रीनाथ धाम के पास मार्केट का इलाका, जहाँ पर आपको खाने पीने की सुविधा मिल जाएगी। यहीं पे आपको होटल्स भी मिल जाते हैं, बट मंदिर के पास के जो होटल्स हैं उनके रेट्स थोड़े ज़्यादा हैं। जी हाँ, शुरुआती कीमत 1000 रुपये से शुरू होकर जाती है तकरीबन 4-5 हज़ार रुपये तक भी, डबल से ट्रिपल ऑक्यूपेंसी के लिए। बाकी यहाँ पर आपको धर्मशालाएँ भी मिल जाएंगी, जहाँ पर आपको कम प्राइस में स्टे मिल सकता है, जैसे कि 500 रुपये 300 रुपये पर पर्सन के हिसाब से। बाकी डिपेंड करता है सीज़न पे कि ज़्यादा लोग अगर आ जाते हैं तो देखो रेट बढ़ जाते हैं। बाकी मंदिर का आपको बताना चाहूँगा, जो मंदिर का खुलने का महीना होता है साल में वो होता है मई का महीना, और बंद होने का जो महीना होता है वो होता है नवंबर का महीना। बाकी सुबह 6 बजे मंदिर खुल जाता है, जो कि दिन के 12 बजे तक खुला रहता है दर्शन के लिए। उसके बाद मंदिर खुलता है 3:30 से 4 बजे के लगभग, जो कि रात के 9 बजे तक खुला रहता है। 6:30-7 बजे के तकरीबन मंदिर में आरती शुरू होती है शाम के समय में। सो सुबह अर्ली मॉर्निंग में थोड़ी ज़्यादा भीड़ रहती है मंदिर में, अगर आप आ रहे हैं 9 बजे से 10 बजे तक सुबह, तब आपको भीड़ थोड़ी कम मिलेगी। इसी तरीके से मंदिर बंद होने से 1 घंटा पहले अगर आप मंदिर पहुँचते हैं दर्शन करने के लिए रात के समय में, मतलब 8 बजे के तकरीबन आप पहुँचेंगे, तो ज़्यादातर देखा जाता है कि आपको भीड़ कम ही मिलेगी। सो वातावरण काफ़ी ठंडा है बद्रीनाथ का, सो अपने गर्म कपड़े अपने साथ रख कर लाएं। मंदिर पहुंचने के लिए आप देखिए ऋषिकेश तक आ सकते हैं ट्रेन से, और वहां से उत्तराखंड रोडवेज की लोकल बस आपको मिल जाएगी, जो कि अर्ली मॉर्निंग बद्रीनाथ के लिए आती है। 4:15-4:30 बजे के समय सुबह बस चलती है, और सुबह 7 बजे भी बस चलती है, उसके बाद की कोई भी बस अवेलेबल नहीं है। रास्ता उत्तराखंड गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा बना दिया है, हालांकि बद्रीनाथ से थोड़ा पहले तक अभी भी रास्ता पूरा नहीं बना हुआ, तो वहां पर आपको थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन हाँ पहले के मुकाबले में अब रास्ता काफ़ी अच्छा बना दिया गया है। यही मार्केट में आपको प्रसाद भी मिल जाता है, जिसकी शुरुआती कीमत 50 रुपये होती है, 50 रुपये से लेकर 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये। जी हाँ, इसी तरीके से प्रसाद के जो प्राइस हैं वो आगे बढ़ते रहते हैं। बाकी इसी तरह की जानकारी आपको वीडियो में आगे भी मिलेगी, वीडियो को पूरा देखें, बीच में कहीं भी स्किप ना करें। बाकी मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करके आप अपना कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं बिल्कुल आप लोगों को आपके कमेंट का जवाब दूंगा।
ये 50 वाले दोस्तों, यह जो एरिया है बिल्कुल मंदिर के नीचे का एरिया है, तो यहाँ पर आप अपने चप्पल जूते जो प्रसाद वाले वेंडर्स हैं उन्हीं के पास रखवा सकते हैं। वो एक्चुअली आपको खुद ही बोल देंगे कि आप अपने चप्पल जूते यहीं उतार दें। सो मंदिर के बिल्कुल पास में आप यहाँ पे चप्पल जूते उतार के अपने दर्शन के लिए जा सकते हैं, और जैसे ही आप लोग वापस आते हैं तो वो प्रसाद वाले वेंडर को आप कह दें कि आपने चप्पल जूते उन्हीं के पास रखे थे, वो आपको आपका टोकन नंबर पूछेंगे और आपके चप्पल जूते आपको वापस दे देंगे। सो सुविधाएँ आपको सारी मिलेंगी और कोई भी परेशानी आपको मंदिर के दर्शन करने में नहीं आती है। बस थोड़ा सा अपना समय लेकर निकलें दर्शन के लिए, क्योंकि अगर भीड़ ज़्यादा मिलती है तो लाइन बहुत लंबी होती है। उसके बारे में सारा आगे दिखाऊंगा मैं वीडियो में। तो यह जो लाइन आप देख रहे हैं, यह लाइन तकरीबन 2 किलोमीटर लंबी थी, बहुत लंबी लाइन थी। हमारे दर्शन करना बहुत ही मुश्किल हो गया था, लेकिन हमारे श्री नारायण की लीला कुछ ऐसी रही कि हमारे दर्शन किस तरीके से हुए वो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा। तो वीडियो में बने रहें आगे और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइस, तो फाइनली बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन अंदर से हमारे हो चुके हैं। तो सुबह कुछ हिसाब ऐसा था कि दर्शन हो नहीं पा रहे थे, हमारी किस्मत साथ नहीं दे रही थी, लेकिन नारायण ने कुछ ऐसा रचा कि दर्शन हो गए। पूरी कहानी क्या है मैं आपको बताऊंगा रूम पे जाके। यहाँ पे शोर शराबा थोड़ा ज़्यादा हो रहा है तो मैं इसलिए ज़्यादा कुछ बता नहीं पाऊंगा, बट इतना बता रहा हूँ कि दर्शन हो गए, बहुत अच्छे हुए। और बाकी एक बार मंदिर दिखा देता हूँ आपको, पीछे ही है मेरे सामने मतलब। तो ये रहा अपने श्री बद्री विशाल का मंदिर, श्री बद्रीनाथ धाम। तो अंदर आने के बाद मंदिर का प्रमाइसिस जो है वो ऐसा है, बाकी सामने अंदर मंदिर है, अंदर शूट करना अलाउड नहीं है तो वो मैं कर नहीं सकता। बाकी चलो रूम पे चल के बताऊंगा आपको सारी कहानी। स्वामी सबके प्राणपति, इस विधि में आने
हाँ जी, सो गुड मॉर्निंग फ्रॉम बद्रीनाथ गाइस। अभी सुबह के हो रहे हैं 5:30, निकलना तो 4 बजे था यार, लेकिन होता है ना, इतनी जल्दी आँख खुलती नहीं है और यहाँ पे ठंड भी अच्छी खासी। सो बस यही एक रीज़न है और थोड़ी थकावट थी जो हम लेट हो गए उठने में। सो कल आपने देखा कि जैसा कि बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन करके आए थे हम। सो मैंने बताया था कि रूम पे जाके आप लोगों को बताऊंगा कि हुआ क्या था। सो हुआ कुछ यूँ था कि हमें जाना था कल सुबह 6 बजे बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन करने। एक्चुअली शाम को हम दर्शन कर लेते परसों जब यहाँ पहुँचे थे तो बहुत अच्छा रहता, बट यार हम नहाए धोए नहीं थे पूरा, इतना लंबी राइड करके आ रहे थे तो जस्ट मंदिर बाहर से शूट करके हम लोग आ गए ये सोच के कि सुबह अर्ली मॉर्निंग आएंगे दर्शन करने के लिए। अर्ली मॉर्निंग उठे तो देखा बहुत तेज़ बारिश थी जो कि रात से ही हो रही थी और बारिश बंद ही नहीं हुई। देन हमें मौका मिला सुबह 9 बजे जाने का मंदिर की तरफ। सो नहा धो के अच्छे से रेडी होके हम गए 9 बजे मंदिर। सो यहाँ से दूर से देखा तो इतना लग नहीं रहा था कि भीड़ है क्योंकि गेट से तो लोग एंटर हो ही रहे थे, लेकिन जब हम मंदिर के पास पहुँचे तो मंदिर के पास से लाइन लगी हुई थी, कम से कम नहीं तो 2 किलोमीटर लंबी लाइन लगी थी बहुत पीछे तक। हम बहुत आगे तक चल के भी गए, बहुत दूर तक चल के गए लाइन में लगने के लिए, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। उसके बाद हमें लगा नहीं कि हम इतनी लंबी लाइन में लग के दर्शन कर पाएंगे, हमारा मन बहुत उदास हुआ। दोनों ने डिसाइड करा कि बाहर से मंदिर के हाथ जोड़ के नारायण के दर्शन करके और माफ़ी मांग के हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं। सो जैसा डिसाइड करा हम लोग वैसा करके निकल भी गए, लेकिन और प्रसाद भी ले लिया था हमने जो कि चढ़ा नहीं था भगवान को, तो बहुत मन उदास हुआ, बहुत अजीब लग रहा था दोनों को, एटलीस्ट मतलब ऐसा लग रहा था रोने को ही है। फिर हम वहाँ से निकले और थोड़ा बहुत कुछ खाने बैठे तो हमसे ठीक से कुछ खाया भी नहीं जा रहा था। ये था पेट तो भर रहा था लेकिन जो दिमाग और दिल होता ना इसको शांति नहीं मिली भाई। एग्जैक्टली सो करते 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 खा पी के हम लोग रूम पे आए, नी मन मान रहा था। तकरीबन 11:30-12 का टाइम हो चुका था तब तक दिन का, ये कल की बात है। सो हम दोनों ने ना फिर थोड़ा सा मन बनाना शुरू किया, डिसाइड करा कि यार इतनी दूर आए हैं, बद्रीनाथ धाम के दर्शन ना हर किसी को इतनी आसानी से नसीब नहीं होते और हमें हो रहे थे तो हम छोड़ के आ गए। फिर हम दोनों ने दोबारा अपना प्लान किया, एक रात अपनी एक्सटेंड की यहाँ पे इस होटल में। होटल की कॉस्ट है 2000 पर पर्सन। जब हम राइड करने निकलते हैं ना तो खर्चे बहुत होते हैं, हमने हमारे प्लान में नहीं था कि हम 2000 तक की कॉस्ट का कोई भी रूम करेंगे, बट ऐसा होना था इसलिए हुआ। सो 2 रातें हमारी इस रूम में कटी। कल हमने अपनी रात एक्सटेंड करी यहाँ पे और डिसाइड करा कि एक्सटेंड करके हम दिन में 3 बजे के समय मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएंगे, क्योंकि 12 बजे से 3 बजे तक मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं दिन में। और यही हुआ, उसके बाद हम दोनों ने थोड़ा सा रेस्ट किया यहाँ पे और हम 2:15 बजे यहाँ से भागे मंदिर की तरफ। मंदिर के कपाट बंद थे लेकिन लाइन बिल्कुल मंदिर के गेट के पास तक थी और जाके हम दोनों घुस गए लाइन में और भीड़ में और खड़े होके वहाँ पे जो सुकून मिला ना यार, मतलब भरोसा जाग गया था कि अब हमारे दर्शन हो जाएंगे। 3 बजते ही मंदिर की लाइन चली और आप लोग यकीन नहीं करोगे इतने अच्छे दर्शन हुए यार, इतने अच्छे दर्शन। अंदर भीड़ में भी सामने से खड़े होके हमने अपने श्री नारायण को, अपने माधव को, क्योंकि यार उन्हीं का रूप है, नारायण का ही रूप है श्री कृष्ण, सो सामने से देखा, अपना प्रसाद चढ़वाया वहाँ पे पंडित जी से अच्छे से और तसल्ली से दर्शन करके बाहर निकले। मंदिर के प्रमाइसिस में बैठे, काफ़ी देर बातें करी, अपना वीडियो शूट करा और स्टोरीज वगैरह बनाई इंस्टा के लिए। सो बस यार इस तरीके से हमारे दर्शन लिखे थे, नारायण भगवान ने बहुत अच्छे दर्शन लिखे हुए थे, इसलिए हमारा यहाँ कल रुकना बना और रुके, हम दर्शन भी करके आए। सो पता लगा आप लोगों को, देखो किस तरीके से दर्शन हुए। सो पूरी किस्मत बनाने वाला हमारा भगवान है, हमारे श्री नारायण भगवान है, उन्होंने हमारे लिए कल ये लिखा था, सो ये हुआ हमारे साथ। सो आप भी ज़िंदगी को इसी हिसाब से छोड़ दो, जो करता है भगवान करता है, आपके हाथ में कुछ नहीं है, आप बस अपने कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, अच्छा करो, हमेशा आपके साथ अच्छा ही होगा, कभी कुछ बुरा भी हो उसको पॉजिटिव वे में ही लो। सो इसी के साथ यार इस वाले व्लॉग को ना यहीं पे ख़त्म कर देते हैं, व्लॉग शायद बहुत लंबा हो चुका होगा ये। अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से वापसी दिल्ली की तरफ। सो आज है 11 सितंबर 2022, सुबह के 5:30-6 का टाइम है, समय है। सो अब हम निकल रहे हैं यहाँ से, कबीर भाई गाज़ियाबाद, मैं दिल्ली, सो अभी वहाँ तक तो साथ ही जाएंगे, बस निकल रहे हैं। अब ये व्लॉग यहीं एंड कर देते हैं, मैं रास्ते में कुछ छोटे छोटे क्लिप्स शूट करूँगा सो वापसी के आपको वो दिखा दूंगा अलग से मैं। सो यार बस सांस चढ़ जाती है तो सीरीज, हाँ यहाँ पे हाई ऑल्टीट्यूड पे हम तो सांस चढ़ जाती है, सीरीज यहीं पे खत्म हो रही है, नहीं यहाँ नहीं हो रही, मतलब एपिसोड खत्म करके मैं एक और शूट करूंगा अभी वापसी का, इतनी जल्दी खत्म नहीं करते यार।
तो चलो यार, अगर ये वीडियो पसंद आया ना तो श्री नारायण भगवान के नाम पे एक लाइक तो बनता है बॉस, और वीडियो को प्लीज लोगों को जरूर शेयर करना, कमेंट करके बताना, कमेंट में जरूर लिखना जय श्री नारायण। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे लगेगा कि आप लोगों ने व्लॉग देखा है। प्लीज जय श्री नारायण जरूर लिखना, कुछ लिखो ना लिखो। और हाँ, सब्सक्राइब कर लो यार चैनल को, मुझे बहुत ज़रूरत है आप लोगों के सपोर्ट की। जो भी नया इंसान इस वीडियो को देख रहा है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, जुड़े रहो मेरे चैनल के साथ। आने वाले टाइम में आपको और वीडियोस देखने को मिलेंगे और अच्छी अच्छी जगहों के, ठीक है। तो चलो यार, इस वाले ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। बाय बाय, ख्याल रखिएगा अपना, बाय बाय।